हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, अगर आप यहां पे रेडमी नोट 8 को यूज़ करते हो तो आपके लिए यहां पे गुड न्यूज़ आ चुका है। एंड मैं आपको जितने भी अपडेट्स इसके रिगार्डिंग आ रही है ना, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एंड आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी को मैं क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल वाले आइकन को भी दबा लेना। अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिनके पास Redmi Note 8 सीरीज का डिवाइस है। अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपके डिवाइस के लिए एक नए अपडेट को पुश किया गया है जो है MIUI 12.0.4.0 का। अभी इसके अंदर आपको क्या कुछ खास देखने को मिलता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये अपडेट अभी तक इंडिया के अंदर नहीं आया है क्योंकि ये किसी और रीजन्स के अंदर आया है, जैसे कि यूरोप के अंदर आ चुका है, चाइना के अंदर आ चुका है। तो मतलब आपको यहाँ पे बात समझनी चाहिए कि जो भी यहाँ पे बाहर के कंट्रीज के अंदर अपडेट आता है तो वो बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर पुश किया जाता है। एंड यहाँ पे हम श्योर हो जाते हैं कि हमारे डिवाइस के लिए एक नए अपडेट को पुश किया जाएगा। अभी काफ़ी लोगों के मन में ये भी था कि इस डिवाइस के मतलब इस अपडेट के अंदर हमें कौन से फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो आपके डिवाइस के अंदर अभी MIUI 12 का लेटेस्ट वर्जन अभी है, इसके अंदर आपको सिक्योरिटी पैच बहुत पुराना है, तो काफी इसका पुराना वर्जन है सिक्योरिटी पैच का। लेकिन नए अपडेट के अंदर आपको MIUI 12.0.4.0 के अंदर आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल चुका है, जिसके अंदर आपके डिवाइस का जितना भी सिक्योरिटी था वो यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है। उसके अलावा अगर आप अपने डिवाइस के अंदर गेम मोड को यूज़ करते हो तो गेम मोड का नाम चेंज करके यहाँ पे गेम स्पेस रख दिया गया है, जो आप लोगों को पता होगा जो Redmi Note 8 Pro सीरीज के अंदर भी पहले से आ चुका है, लेकिन आपके डिवाइस को भी यहाँ ऐड कर लिया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपके डिवाइस को स्टेबिलिटी से लेके परफॉर्मेंस तक काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया है। एंड ऊपर से यहाँ पे कोई भी अपडेट के अंदर इतना कुछ मुझे लगता है दे देते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा खास नहीं दिया गया इसके अंदर। एंड आपको यहाँ पर बस यही सब कुछ देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा आपको कोई फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि अभी आप लोग ये कहोगे कि ये अपडेट इंडिया के अंदर कब तक आ जाएगा, इसकी डेट वगैरह क्या होगी। तो देखो, इंडिया के अंदर जब ये अपडेट आएगा तो शायद ये अपडेट आपको MIUI 12.0.3.0 के नाम से लॉन्च किया जाए या फिर 4 के अंदर लॉन्च किया जाए, लेकिन आपको इसके अंदर सिर्फ सिक्योरिटी पैच का ही अपडेट मिलेगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको यही एक नया अपडेट था जो आपके डिवाइस के लिए अभी के लिए लेटेस्ट है। तो मैंने आपको यार यहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी मतलब जो भी अपडेट्स हैं लेटेस्ट उसके बारे में आपको बता दिया है। अगर इसके बारे में और भी कोई अपडेट आता है तो बहुत जल्द आपको मैं बताऊंगा। तो गाइज, आज के वीडियो के अंदर इतना यार, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।